जनपद पंचायत शाहपुर सीईओ को ग्राम पंचायत देशावारी के युवाओं ने ज्ञापन सौंपा। जनपद पंचायत शाहपुर क्षेत्र में मनमाने ढंग से सरपंच सचिव भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं पिछले महीने में ग्राम पंचायत कुंडी एवं भयावारी के ग्रामीणों द्वारा शिकायत की थी, जो जाँच में सही पाई गयी। जब इस विषय में जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती कंचन डोंगरे से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा कुंडी एवं भयावारी के दोनों सचिव पर कार्यवाही चल रही है। वही देशावारी के युवाओं ने जनपद पंचायत सीईओ कंचन डोंगरे को ज्ञापन सौंपा। ग्राम के हरिकेश ढाकरे ने बताया कि ग्राम में चल रहे मनरेगा के कामों और अन्य मदों से चल रहे कार्यों में अनियमितता, लापरवाही और सचिव की मनमानी पर उचित कार्रवाई की मांग की है। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ होशंगाबाद से प्रवीण गौर की खास रिपोर्ट। हर ग्राम पंचायत में बार बार शिकायतें आ रही है, जिसमें अभी तक कितने सरपंच सचिव पर कार्रवाई हुई? अभी तक मुझे दो ज्ञापन मिले थे, दोनों में मेरे द्वारा जांच करके जिला पंचायत में कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है जी। और आज ये मुझे एक ज्ञापन मिला है, इसको मैंने संबंधित सब इंजीनियर को मार्क कर दिया है। जांच करके 3 दिवस में प्रतिवेदन वो मेरे सामने प्रस्तुत कर देगा, फिर उसके बाद जो भी होगी कार्रवाई वो आगामी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी। ज्ञापन दिए ग्राम पंचायत देसावाड़ी में चल रही मनरेगा के कामों में चल रही अनियमितता है, धांधली और सचिव की मनमानी को लेकर युवाओं ने सीओ मैडम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विषय है अधूरी नल जल योजना। बहुत 10-15 सालों से पहले बन चुकी है टंकी, लेकिन नल और उसमें पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछी है। आदर्श ग्राम मानसपट्टी में 2 साल से जो अधूरे कार्य हैं, करीब 20 लाख रुपये का पंचायत ने गबन कर चुकी है। और मुख्य इसमें एक उद्देश्य ये है हमारा कि युवाओं के लिए खेल मैदान और खेल सामग्री अवश्य चाहिए। हम सीओ मैडम से ये चाहते हैं कि यह जो समस्या है इसमें जल्द निराकरण हो, अन्यथा आगे युवा टीम उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।